हेलो गाइस, सो डेट ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हैज बीन केम एंड द नोटिफिकेशन सेज दैट अपकमिंग 25 मई ऑफ 2005 विल बी द प्रीलिम्स ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. सो फॉर दिस पर्पस देयर हैज बीन 9 इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू प्रिपेयर बिफोर गोइंग टू एग्जाम. सो मैं लेके आई हूँ आपके लिए 9 जेम्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 9 नवरत्न्स फॉर यूपीएससी, जिसके बिना आप यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर सकते, ना ही आप इनको स्किप कर सकते हो. तो जैसे अकबर के दरबार में 9 इम्पॉर्टेंट पर्सन्स थे जिनको 9 नवरत्न कहा जाता था क्योंकि वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट थे उनके एम्पायर में, ऐसे ही यूपीएससी के 9 नवरत्न मैं लेके आई हूँ इस वीडियो में. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैंने आपको बता दिया द डेट ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स इज 25th of May. So there is around 10 months for the preparation. You can prepare for prelims, mains and interview. हमारा पहला जेम है, पहला नवरत्न है सिलेबस. So without map you cannot find the treasure. तो हमारा यूपीएससी में मैप है हमारे गोल को अचीव करने के लिए, उसका सिलेबस. सबसे पहले आप क्या करें कि सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा के अपने रूम में लगाए ताकि आपको वो पूरा रट जाए और पूरा याद हो जाए सिलेबस क्या है और हमको क्या पढ़ना है. सेकेंड जैम और सेकेंड नवरत्न है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी इज एनसीईआरटीज. तो एनसीईआरटीज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम 6th to 12th एवरी सब्जेक्ट, चाहे इकोनॉमिक्स हो, आपका सोशल साइंस में जितने सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड ऑल अदर एनसीईआरटीज आपको पढ़नी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए. ओके, इसके अलावा हमारा थर्ड जेमस्टोन्स आता है सबसे इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. आपको जिस रास्ते पे चलना है आपको पता करना पड़ेगा कि हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं या नहीं. उसकी एनालिसिस के लिए वी हैव टू एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. ओके, सो हमारा थर्ड नवरत्न इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. फोर्थ इज मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट को एक दो हमारी टॉप की इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके मॉक टेस्ट आप कर. एंड द फिफ्थ वन इज न्यूज़पेपर रीडिंग. सो न्यूज़पेपर रीडिंग इज रियली इम्पॉर्टेंट फॉर द करंट अफेयर्स एंड फॉर नेशनल इंटरनेशनल अवेयरनेस एंड नॉलेज. सो यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर रीडिंग. एंड द सिक्स्थ वन इज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. फॉर मेन्स एग्जाम यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट फॉर आंसर राइटिंग. यू कैन गेट द हेल्प फ्रॉम द एडिटोरियल्स इन द न्यूज़पेपर. सो फ्रॉम द पेजेस 10 to 11 यू देयर इज अ गुड एडिटोरियल्स रिटन बाय द हाई और चीफ एडिटर. यू कैन फाइंड all the editorials regularly. So if you read newspaper regularly you can find the editorials here for the answer writing practice and that is important for essay papers in the mains exam. तो आपको वो editorials पढ़ने हैं, लिखने हैं और उसकी practice करनी है for clearing the mains examination. Okay, and after that there is next navratan is revision. So आपने एनसीईआरटीज पढ़ लिया, करंट अफेयर्स पढ़ लिया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन एक इसमें आप स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल. आप संडे वीक में एक दिन संडे को पूरे वीक का रिवीजन करें और कम से कम 3 बार एग्जाम से पहले पूरे सिलेबस को रिवाइज करें ताकि हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं भूलें. आप नोट्स मेकिंग करेंगे उससे रिवीजन करें, आप हाईलाइट्स करते हैं बुक्स में उससे रिवीजन करें, आपने कोई माइंड मैप्स बनाया है या फिर आप लोग एक सीरीज बना रहे हैं, कोई क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो आप उसकी रिवीजन करें. दैट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नवरत्न. इफ़ यू नॉट रिवाइज व्हाट यू हैव रेड इन द लास्ट ईयर यू विल नॉट लर्न और यू विल नॉट रिमाइंडेड व्हेन यू आर गिविंग टू द एग्जाम. ओके, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट रत्न इज टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू. Okay, so for the interview preparation, you have to know yourself, your bio, who you are, what you like, what your hobbies, what's your strength and weakness, plus where from you belong. Okay, for example, if you belong to the Delhi, if you belong to the Maharashtra or a particular district from that state, so know your state district properly. What's its politics? What's its geography? What's its history? सब कुछ आपको पता होना चाहिए for clearing the interview of IAS or IPS
IAS examination. Okay, so this is the most important Navratan, and then last ninth Navratan, that's is the most of all of them, is you have to study combined. आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले मैं 3 months, 6 months prelims की तैयारी करूँ, फिर mains की एंड फिर इंटरव्यू की. यू हैव टू डू कम्बाइंड स्टडी. इसका एक बेनिफिट है, आपका टाइम सेव होता है. प्लस कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स, जो हमारे मेंस और मेंस और प्रीलिम्स दोनों में आते हैं, तो आप कंबाइंड स्टडी करेंगे तो कुछ पार्ट आप मेंस का और कुछ पार्ट आप प्रीलिम्स का क्लियर कर पाएंगे. तो यू हैव टू डू कंबाइंड स्टडी फॉर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू एट अ टाइम. तो आपको इन 10 months में तीनों एग्जाम एक साथ क्लियर करने के लिए तीनों की कंबाइंड स्टडी करनी पड़ेगी. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट Navratan or gem to clear the UPSC civil examination. So thanks for watching this video. Aur hum in specific topics ke liye aur video series layenge is channel pe. So thanks for watching.